आपको मेहमाना याद रहता है और आप देख रहे हैं गपशप ऑफिशियल टीवी। नाजीन जैसे कि आपको पता है फैट के लिए गुटखा हो या मावा हो या मंशियात हो वो बुरी चीज है। नाजीन मैं मौजूद हूँ पाक कॉलोनी के थाना, जिस तरह आप देखते हैं कि गुटखा मावा के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है, ऐसे ही जो SSP जिला फिदा हुसैन जानवारी की हिदायत पर SHO पाक कॉलोनी खालिद अंसारी साहब ने बड़ी कार्रवाई की है। 30 टन से ज्यादा छालिया पत्ती और दिगर मटेरियल बरामद की गई है। आज जानते हैं ये किस तरह से कार्रवाई इन्होंने किया है और कौन कौन शामिल था और ये किस चीज के लिए बनता है। आए सर पाक कॉलोनी के और SSP जिला किमाड़ी फिदा हुसैन जानवारी साहब की हिदायत पर इन्होंने बड़ी कार्रवाई की। आज जानते हैं कि ये कार्रवाई किस तरह करें और कितने लोग शामिल थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, मुझे पता है माशाल्लाह इतनी बड़ी कार्रवाई करें और किस तरह की है, कितने लोग मौजूद थे। ये इंफॉर्मेशन मिली थी कि एक फैक्ट्री चल रही है जिसमें ग्राउंड प्लस वन है जी, तो नीचे भी गुटखा मावा बनता था, फैक्ट्री थी और फर्स्ट फ्लोर पर भी, तो वहाँ से हमने जब रेड किए तो वहाँ पर तीन आदमी हमें मिले थे, हसनैन बिलाल और एक और बंदा था, तो इनको हमने गिरफ्तार किया। तो वहाँ से जो है काफ़ी तादाद में छालियाँ बनी हुई, गुटखा मावा पत्ती और ये तमाम चीज़ें हमने बरामद की। तकरीबन 52 ड्रम थे जो जिसमें छालियाँ भरी हुई थी, हर ड्रम के अंदर तकरीबन 40 किलो वो थी जी। तो इस तरह 52 ये थे और इसके अलावा पत्ती थी, ये सारी चीज़ें हमने किसी मकबरे ख़ास की इत्तला पर हमने गिरफ्तार किया, थाने ले आए। तो फिर वहाँ से जो है दो आदमी मफरूर हो गए थे, एक बिलाल और एक अशफाक। अशफाक जो था वो मालिक था, वो उसका बिलाल जो है उसका पार्टनर था। सर मुझे ये बताएं ये इत्तलात के मुताबिक ये कितने दिन से ये लोग ये काम कर रहे थे। ये मुझे तो नहीं मालूम लेकिन ये पुराने काम कर रहे थे, क्योंकि मुझे तो चार्ज लिए 24 घंटे हुए थे, तो ये मैंने कार्रवाई कर ली थी, मेरे लिमाही मैंने कार्रवाई कर ली, अब ये पहले से चल रहा था। अच्छा मुझे ये बताया माशाल्लाह इतने बड़ी कार्रवाई आप लोगों ने किया है। अच्छा पूरे कराची भर में हम देखते हैं कि मावा गुटखा एक बाई खुल जाता है फिर क्रैक डाउन होने लगता है पुलिस की जानिब से। बिल्कुल ये तो होता भी रहेगा क्योंकि ये तो घरों के अंदर बना रहे हैं, अब घरों के अंदर तो हमें इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि लेडीज़ भी अब इस काम में शुरू हो गई। सर मुझे ये हमने ये भी देखते हैं कि सर 22 लोग लिए कि पुलिस जब सख्ती नहीं करती है तो उनके बावजूद भी वो बिकते हैं, लोग कहते हैं कि पुलिस भी इसमें मुलव्वस होते हैं। देखिए ये तो हर दौर में हर कोई कहता है कि पुलिस भी मुलव्वस होती है, तो ज़रूरी तो नहीं है, वो सबूत पेश करें जी, तो ऐसा नहीं है कि पुलिस जो है वो मुलव्वस है। अच्छा मुझे ये बताएं जिस तरह से आप लोगों कार्रवाई किए, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आप लोगों को और आप तहसील पुलिस की जानिब से जो ये कार्रवाई करते हैं, माशाल्लाह हम देखते हैं कि आप भी अच्छा एक्टिविटी करते हैं अपने लोगों के साथ मिलकर और कोशिश यही करते हैं कि जो जराइम पेशा अफराद हैं उनके खिलाफ क्रैक डाउन करते हैं। मुझे ये बताएं लास्ट में कुछ आवाम के लिए कुछ पैगाम देना चाहेंगे और जो ये काम करते हैं उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे। बस मैं यही कहूँगा कि पाक कॉलोनी में से तो ये ड्रग एडिक्स और ये गुटखा मावा माफिया जो है ये यहाँ से चली जाए तो ज़्यादा अच्छा है, या काम बंद कर दे, नहीं तो इसी तरीके के रेड होंगे और वो जेल पहुँचेंगे। अच्छा मुझे ये बताएं जो ये कार्रवाई जो हुआ था 3 टन से ज़्यादा जो छालिया और गुटखा मावा जो ये जब मुलव्वस में मिला आप लोगों को, ये जो एहलकार थे वो गिरफ्तार होकर जेल मुंतकिल हो गए या अभी FIR नहीं हुई है। नहीं वो तकरीबन ये इस बात को 3 दिन हो गए तो वो इन्वेस्टिगेशन वालों ने जेल पहुँचा दिए। चलिए ठीक। अच्छा माशाल्लाह मैं ये बात करना चाहूँगा अब्दुल खालिद अंसारी के लिए जो कि ये बड़ा इकदाम करते हैं और एक रिहैबिलिटेशन सेंटर भी चला रहे हैं इन्होंने इनकी जानिब से, और जितने भी नशावर लोग होते हैं इनके हॉस्पिटल में जाके उनके लिए इलाज करते हैं। सर माशाल्लाह हम देखते हैं कि पुलिस एहलकार और पुलिस SHO काफ़ी मैंने देखा, मेरे से दोस्ती यारी भी है, मगर आप जैसा शख्स मैंने पहली दफ़ा देखा है जो इस तरह से काम करते हैं आवाम के लिए। अब इस तरह के लोग काफ़ी पुलिस डिपार्टमेंट में हैं लेकिन ढूंढने की ज़रूरत है और उनको सामने आने की ज़रूरत है, तो वो बेचारे सामने आते नहीं हैं।
अब मैं जो था मैं सामने आ गया और मैं ये वेलफेयर के काम करता हूँ, मेरा जहनी वेलफेयर का ज़्यादा है। आपके अफसर आप पर बिलीव भी करते होंगे? ज़ाहिर पसंद करते हैं कि भाई ऐसा काम कर, क्योंकि अमल से आदमी का पता चलता है, तो मेरी जितने भी काम हैं वो अफसरान को भी पता चलते हैं कि भाई ये मंशियात के गुटके मावे के इन क्रिमिनल के खिलाफ है। जी जी नाजी, हमारे साथ मौजूद थे अब्दुल खालिद अंसारी साहब जो कि पाक कॉलोनी के SHO तैनात थे। मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपनी जानी अपनी टीम की जानी से भी अप्रिशिएट करता हूँ जो ये काम सर अंजाम देते हैं, और जो मंशियात है जो मंशियात पर हमारे जो नस्ल ख़राब कर रहे हैं और नशावर लोगों को पकड़ के इन्होंने रिहेबिलिटेशन सेंटर पर इलाज भी करवाते हैं, तो ये हम अपनी टीम से जानी से इनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि मैंने हर SHO हर एहलकार पुलिस अफसर को देखा कि ये काम नहीं करते। तो अपने मेज़बान अयान अख्तर को इजाज़त दी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।